हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है जुडिशरी और ये क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से। कोटेशन है, लुक इन द मिरर दैट्स योर कॉम्पिटिशन। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पिटिशन है वो अपने आप से है। जो आज तुम हो तुम्हें कल उससे बेटर बनना है, और जो तुम कल होगे तुम्हें परसों उससे बेटर बनना है। तुम्हें किसी और को देख के स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को देख के ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने आप को रोज़ बेटर बनाना है और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन तुम खुद ही हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर। अब वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइज सोसाइटी में लोग रहते हैं वहाँ वहाँ जो है डिस्प्यूट्स होना तो लाजमी है। ठीक है, अब जो डिस्प्यूट्स होंगे तो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो पार्शियल नहीं है, जो इम्पार्शियल है। ठीक है, और जो सिर्फ अपने विम्स एंड फेंसेस से काम नहीं करेगी, वो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पे काम करेगी, तो उस इंडिपेंडेंट बॉडी को जुडिशरी बोला जाता है। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ ये होता है कि कोई भी इंसान है, कोई भी सिटीज़न है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे विमेन है, चाहे मेन है, या वो कोई सी भी कास्ट का है, किसी भी सोशल स्टेटस का है, वो जो लोग हैं कोई भी किसी के लिए भी किसी भी क्लास के लिए अलग से लॉ नहीं है, सबके लिए लॉज सेम है, सबके लिए बराबर कानून है। ठीक है, और ये लाइन में अगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एनश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ सुप्रीम है, कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है, जुडिशरी का ये जो फंक्शन है, इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये तो हमने ऊपर दे दिया। आप सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैसे करता है? क्योंकि अगर हमने चैप्टर 3 में देखा था कि अगर किसी के भी राइट को जो है इन्फ्रिंज करता है कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो जुडिशरी जो है उस या तो उस लॉ को या उस आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है और इलीगल हो जाता है वो। ठीक है, और इससे जुडिशरी जो है इस प्रकार, इट इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। ग्रुप डिक्टेटरशिप हो गया जैसे ओलिगार्की में होता है कि कुछ ही लोग हैं जो ऊपर राज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की चल रही है। इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप तो आपको पता है कि इंडिविजुअल डिक्टेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि वॉट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हमने ये तो देख लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या चीज़ है। वॉट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी? तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे हमने तीन ऑर्गन्स देखे थे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये जो दो ऑर्गन्स हैं ये या इनमें से कोई एक ऑर्गन कोई भी जो है जुडिशरी को अपना काम करने से रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, उसे नहीं रोक रहा है। दूसरा जो है कि ये इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं जुडिशरी के काम में, जुडिशरी अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। तीसरा है कि जो जजेस हैं उनको कोई डर नहीं होना चाहिए या उनके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, विदाउट फेयर और विदाउट फेवर। ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये भी मतलब नहीं है कि अब ये जज की विम्स एंड फैंसेस पे जो है जज की मर्जी है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी उसमें। ठीक है, और उसमें ऐसा भी नहीं है जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं है। अब आप पूछोगे जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है? जुडिशरी अकाउंटेबल है, एक तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरा है टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, तीसरा है टू द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पे बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। एक तो ये है कि लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशरी खुद अपने जो लोग हैं उनको अपॉइंट करती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें जो भी अपॉइंट होता है जज, तो उसमें कंडीशन होती है कि वो ही मस्ट बी आइदर वेल वर्स्ड इन लॉ और ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर। ठीक है, और जो तीसरा जो हमारा ये है कि जुडिशरी में जो जजेस हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं, वो उनका फिक्स टेन्योर है। फिक्स टेन्योर मतलब फिक्स सर्विस है, ऐसा नहीं है कि वो दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ समवन, ऐसा नहीं कि जिसका मन करेगा, जिस दिन मन किया उस दिन हटा दिया। ठीक है, और उनकी एक एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स्ड है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जजेस हैं इनका, ये फिर बिना फेयर और बिना फेवर के काम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता ना कि अगर एक को हटा दिया तो उसको, बाकियों को डर हो जाएगा कि हाँ इसको हमने विम्स एंड फेंसेस से हटा दिया जज को, और जो उसकी जगह कोई और लेके आएंगे वो फेवर करेगा नेचुरली, तो ऐसा नहीं होगा।
तीसरा जो है कि जुडिशरी जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, क्योंकि इनकी जो सैलरीज और अलायंसेज हैं दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड नहीं करेगी ऐसे कि सैलरीज और अलाउंसेज जो जजेस के हैं वो क्या होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में कभी भी डिस्कस नहीं हो सकता किसी भी जज का कंडक्ट अनलेस एंड अनटिल वो उससे रिलेटेड है, उस प्रोसेस से रिलेटेड है जिसमें जज के रिमूवल की बात हो रही है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इससे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है और उसको क्रिटिसिज्म का फेयर नहीं रहता। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, अभी इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। ठीक है, तो अब इसमें है कि जो जजेस जो हैं, एक तो हमने ऊपर बात करी है कि जजेस जो होता है वो जुडिशरी खुद ही अपॉइंट करती है। ठीक है, जुडिशरी अपने अब लोगों को खुद ही अपॉइंट करती होती है, इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। हालांकि अब NJAC बिल लेके आए थे लेकिन वो अभी पास नहीं हो सका, जुडिशरी ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा करार दे दिया था, वो होने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जुडिशरी है अगर उसको पॉलिटिकल लोग अपॉइंट करेंगे तो उसमें फेयर और फेवर जो होगा वो हो जाएगा, उसकी रिलेटिव इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये इसमें तो जो है कि जो जुडिशरी है वो खुद भी वो कर सकती है, खुद अपने ही लोगों को फेवर कर सकती है। जो मान लो कोई जजेस की कमेटी बैठी है जिसने और जजेस को अपॉइंट करना, तो वो लोगों को तो वो उनमें से सिर्फ उनको करेगी जिनके उनसे अच्छे रिलेशन है। और इसीलिए जो है वो बोलते हैं कि NJAC जो बिल लाए थे उसमें ये होता था कि जो जजेस को अब चूज़ करने वाली कमेटी होगी उसमें एक गवर्नमेंट का भी मेंबर होगा, एक जुडिशरी का भी होगा, एक अपोजिशन का भी होगा, तो वो जो है तो उससे वो बोलते थे कि ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार जो है कि ऐसा होता था कि जैसे 1973 में जस्टिस ANRAY थे, उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था, जबकि उनसे भी ऊपर थे सीनियोरिटी में, उनसे भी ऊपर दो जजेस थे उस टाइम पे, तीन जजेस इनफैक्ट थे। ठीक है, और फिर ये जस्टिस MH Begg के टाइम भी ऐसा हुआ था। तो ये जो है ये चीज़ जो है इंडिपेंडेंस को ख़राब करती थी। और जो अब यहाँ देखिए कि CJI वैसे कौन बनता है, CJI एक कन्वेंशन है, ये कहीं दिया नहीं हुआ बट एक कन्वेंशन होती है, एक प्रथा थी। ठीक है, एक परंपरा थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट को उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। अब जो है कि बाकी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उन्हें देखिए प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा लेकिन वो होगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना उनकी बहुत ज़्यादा से जो है ऑलमोस्ट से इन्हीं की होती है इन प्रैक्टिस, जिनका ये रिकमेंड करते हैं तो ये हो जाता है। बस हाँ ये है कि जिनके रिकमेंडेशन, जिन लोगों का नाम रिकमेंड होता है फॉर जजेस, तो उनको जो है जो गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए होती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी अप्रूवल कई बार चाहिए होती है। अब आता है रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस के लिए ना बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इनकी इंडिपेंडेंस के लिए रिमूवल जजेस का जो प्रोसीजर बनाया गया है वो बहुत एक कठिन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसीजर बनाया है। अब उनके लिए ग्राउंड भी जो है ना सिर्फ दो ग्राउंड दिए हुए हैं, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी। और जो है कि इसमें जो मोशन जो पास होगी कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट जज, जो उसके खिलाफ आरोप हैं, तो वो एक मोशन के थ्रू पास होगी दोनों हाउसेज में, तो दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए तो ही होगा, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने ये देखा कि जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि हमने ये देखा कि जो जजेस को जो है कि अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। ठीक है, और अगर लेजिस्लेचर जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा जजेस के रिमूवल में। ठीक है, तो इससे क्या इंश्योर होता है, इससे बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर होता है, लेकिन इंडिपेंडेंस भी जुडिशरी की इंटैक्ट रहती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। जुडिशरी में देखो सबसे टॉप पे जो है हाईएस्ट लेवल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके डिसीजन जो है ना दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। अब इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस पे जो है एक डिसीजन दी, ठीक है, तो उस केस पे जो है उससे जो सिमिलर केसेस आएंगे बाकी नीचे वाले कोर्ट्स में भी, तो उन लोगों को वो जो यहाँ जो डिसीजन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसी के हिसाब से ही डिसीजन देनी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होती है, वो जजेस ट्रांसफ़र कर देता हाई कोर्ट के। बहुत बार ऐसे होता है कि पंजाब के जो जज हैं या पंजाब के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो किसी और स्टेट के होंगे, ठीक है। और ये भी होता है कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इट्सेल्फ। ये तो हमने पढ़ा था ना सर्शररी में, ये कैन मूव केसेज फ्रॉम एनी कोर्ट टू इट्सेल्फ। दूसरा कैन ट्रांसफर केसेज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो एक कोई केस है वो कर्नाटका हाई कोर्ट डिसाइड कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ये केस इससे लेके ये मान लो कि तमिलनाडु हाई कोर्ट को दे दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे लेवल पे जो आता है सेकंड इन हायरार्की जो है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना तो उनकी अपील उनसे अपील जाती है, ठीक है, वो अपील कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। और जो हाई कोर्ट है दे कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स भी होता है, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट्स इशू कर सकता है। तो ये जो हमने राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है या स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि ट्रू है फॉल्स है कि जो हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है, तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइडर इस सेंस में है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी अगर इन्फ्रिंजमेंट होती है तो उसके लिए भी वो जो है रिट्स इशू कर सकता है, और कोई और राइट होता है उसके लिए भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट की एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन ये है कि देखो सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिट्स वगैरह या कुछ भी इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट है कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट स्टेट। मान लो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है तो वो कर्नाटका स्टेट की जो ज्यूरिसडिक्शन में जो केसेस होंगे वहीं कर सकता है। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है कर्नाटका स्टेट की बाउंड्रीज तक ही सीमित है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और हाईकोर्ट एक ये भी होता है फंक्शन की एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस यानी सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनफैक्ट ये होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। देखिए इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट क्यों बोला जाता है, जब यही सेम कोर्ट जो है ये सिविल मैटर्स से डील करेगी जैसे मैरिज प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, तो इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। और जब ये क्रिमिनल केसेस से डील करती है जैसे मर्डर या थेफ्ट और ये सब, तो इसे सेशंस कोर्ट बोला जाता है। तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट तक होती है, ठीक है। अब इसके जो नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं जैसे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होगा सीजीएम का, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होगा, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से ऊपर, जो इससे नीचे कोर्ट्स होते हैं, तो उसमें जो नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं उनकी जो अपील्स होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, ठीक है। अब इसके नीचे सिविल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के केसेस को डिसाइड करते हैं, जैसे कि मुंसिफ कोर्ट हो गया या जेएमआईसी हो गया, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो इसकी ज्यूरिसडिक्शन ये चार्ट में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई है। एक होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि ये जो केसेस होंगे ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंसीडर करेगा, इसके लिए आपको लोअर कोर्ट्स नहीं कुछ कर सकती, लोअर कोर्ट्स बिल्कुल नहीं कर सकती, अपील में नहीं सुनेगा। तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं, वो हो गए डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कई बार सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, या कई बार सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट, एक स्टेट गवर्नमेंट एक साथ है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स बाकी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, या एक सेंटर गवर्नमेंट एक साइड है, एक पार्टी है डिस्प्यूट की और दूसरी पार्टीज जो हैं वो दो तीन स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जो डिस्प्यूट्स होंगी वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होंगी, ठीक है। और या दो स्टेट्स के बीच में जो है, दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है,
ठीक है। और दूसरी इसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो अपील्स होती हैं ना लोअर कोर्ट्स की, जैसे हाई कोर्ट से ही जाती हैं वो सिविल में, क्रिमिनल में या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, तो वो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है क्योंकि वो थ्रू अपील्स जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी जो आती है वो होती है एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या करते हैं किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे या लॉ के मैटर पे वो सुप्रीम कोर्ट की राय मान सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें जो हैं उल्लेखनीय हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ना भी दे, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी देता है तो जो प्रेजिडेंट है ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर एडवाइस दे दी तो ज़रूरी नहीं कि प्रेजिडेंट को वो करना ही करना है, ठीक है। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए, ना प्रेजिडेंट बाउंड है एडवाइस एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक टाइप की एडवाइस ही होती है, ठीक है। और चौथी जो आती है होती है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हमने राइट्स वाले चैप्टर में देखी थी, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया तो आप वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे ये वाली रिट जो हमने पहले डिस्कस करी थी तो ये इशू कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर होती है, वो क्या होती है कि वो स्पेशल लीव पिटीशन के केस में स्पेशल लीव जो होती है वो कर सकता है कि कोई भी, अगर इंडिया में किसी भी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास करी है, अगर उसके खिलाफ कई बार होता है अपील नहीं लाई करती या हाई कोर्ट जो होता है वो कई बार वो सर्टिफिकेट नहीं देता अपील का, तो भी अगर आप स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू स्पेशल लीव करते हो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार ग्रांट कर देता है। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सुनूंगा इसके खिलाफ भी अपील, ठीक है। और उसके बाद जो आता है अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ये ऊपर कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। रिट ज्यूरिसडिक्शन भी हमने डिस्कस कर दी, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी हमने ऊपर वो चार्ट में डिस्कस कर दिया, और ये एडवाइजरी भी। अब ये देखिए ये दो आर्टिकल बहुत ज़रूरी हैं। एक है आर्टिकल 137, इसमें ये बात बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद की डिसीजन से बाउंड नहीं है, यानी कि अगर एक केस में उसने पहले जो है कोई एक डिसीजन दे दी, ठीक है, तो अगर दूसरा कुछ टाइम बाद दूसरा सिमिलर केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो पहले इस केस में सिमिलर फैक्ट्स पे केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हो सकता है हमने पहले शायद गलत दी, या ये हो सकता है कि आप सरकमस्टांसिस चेंज हो गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट को ये लग सकता है कि इस वाले केस में जो है ये स्पेशल कुछ सरकमस्टांस ऐसा है जो ये मतलब जो अलग है इस वाले से, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग डिसीजन भी दे सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक डिसीजन दिया तो दूसरे सिमिलर सर्कमस्टांसिस वाले केस में जो कुछ टाइम बाद आएगा या कभी भी जो आएगा सुप्रीम कोर्ट दूसरा डिसीजन भी दे सकता है। बाकी सारे कोर्ट्स जो हैं इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से बाउंड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजन से बाउंड नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 144 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका ये मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देगा सिविल अथॉरिटीज को तो वो भी उनको मानना पड़ेगा, और अगर वो जुडिशियल अथॉरिटीज को देगा यानी नीचे वाले कोर्ट्स वालों को देगा तो वो भी उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारा है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? देखो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो काम नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि वो कोई एक ऐसा उस पर लॉ नहीं बना हुआ, या अगर बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने इंटरप्रिटेशन से थोड़ा और एक्सपेंड कर देती है, ठीक है। तो वो क्यों करती है सुप्रीम कोर्ट? वो इसलिए करती है कि इसको जो जुडिशरी को है उसको मोर पीपल फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे एक्टिविस्ट होते हैं ना पब्लिक स्पिरिटेड पीपल, तो वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म भी आता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो होता है जुडिशियल ओवररीच। इनफैक्ट जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है, कि जुडिशियली पॉजिटिवली कुछ कर रही है, लेकिन जुडिशियल जो ओवररीच है ना वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं, क्योंकि उसका ये मतलब होता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फंक्शंस में ना अनड्यू इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की जो हम बात करते हैं कि इसके अंडर चीफ जो इंस्ट्रूमेंट होता है
वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL बोलते हैं, या उसे सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं, SAL, ठीक है। ये जो है इंडिया में कब डेवलप हुए, ये इंडिया में, वैसे ये US से जो है कॉन्सेप्ट बोरो हुआ था, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले US में होता था, ठीक है, US की जुडिशरी में। अब जो इंडिया में जो ये शुरू हुआ था, ये इसके जो मेन जो जिसे हम कहते हैं फाउंडर कह सकते हैं, जिन जजेस ने अलाउ करना शुरू किया था, वो थे जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर। उन्होंने अराउंड 1979 ये अलाउ किया था। अब ये होता क्या है बेसिकली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में भी पढ़ेंगे तो एक चीज़ होती है प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है कि जो पार्टीज है ना, तो वो ही केस कर सकते हैं एक दूसरे पे। ऐसा नहीं कि जो थर्ड पर्सन है कोई भी आके, जो अनअफेक्टेड है, वो जाके ये केस कर देगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था कि जैसे कई बार प्रिजनर्स थे या स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो खुद इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो कोर्ट में केस कर सकें, ठीक है, तो उन, या अपने राइट्स से इतने अवेयर नहीं थे, तो उनके बिहाफ पर कई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होते हैं ना, जो एक्टिविस्ट होते हैं, तो या कोई NGOs जो थे वो केस कर सकते थे। हालांकि वो खुद इफेक्ट नहीं होते इस चीज़ से, लेकिन उन लोगों के जो विक्टिम्स थे, उन लोगों के बिहाफ पे करते थे। तो ये केसेस भी जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करने शुरू कर दिए थे जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर के टाइम में, ठीक है। ये सबसे पहले एक केस हुआ था, वो आप कमेंट बॉक्स में देखना, वो राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ बिहार जेल में जो थे ना, उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग प्रिजन में थे, अभी उन पे केस चल रहा था, ठीक है। कई लोगों का तो ऐसा था कि अगर उन पे जो चार्ज लगा था, जो आरोप लगा था, अगर वो प्रूव भी हो जाता, अगर वो गिल्टी फाउंड भी हो जाते, तो भी उतने साल की सज़ा नहीं होती जितने कि वो वैसे जो है प्रिजन में जितने साल उन्होंने गुजार लिए थे। तो इन लोगों की तो लाइफ ख़राब हो रही थी ना, और कई लोगों का अभी प्रूफ नहीं हुआ था, तो वो भी प्रिजन में। तो उनके लिए जो था, कुछ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स ने और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है केस किया था, और इसको सुना गया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और आप अगर कोई को एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा, मतलब एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट की न्यूज़ को फॉलो करते हैं, या कोई एनवायरनमेंट लॉ पढ़ चुके हैं, तो उनको पता होगा कि एक बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है MC मेहता जी, जो मिस्टर MC मेहता हैं, इन्होंने बहुत सारे एनवायरनमेंटल लॉ की प्रोटेक्शन के लिए केसेस किए हैं, ठीक है। तो वो PILs दायर करते हैं। अब देखिए, वो बिहार वाला जो है वो यहाँ दिया हुआ है, और जो केस का नाम है, अभी वो आप हिंट दे देता हूँ, इसी में है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जो PIL है ना, इसे कोर्ट ने क्या किया है, जो हमने राइट्स वाले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था ना, कि आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया, कि वो राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, वो राइट टू डिसेंट लिविंग जो है, तो एक्सपैंड जो वो हुआ था, जो एक्सपेंशन हुई थी, वो PILs के थ्रू ही हुई थी, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो जुडिशियल ओवररीच में ना बदल जाए। इसलिए तो जो हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है तीनों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, वो जो रूल है वो अपहोल्ड रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।